अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि आने वाले समय में फोन्स कैसे होंगे, तो आप लोगों का यहाँ पे आंसर क्या होगा? क्या आपको फोल्डेबल फोन्स बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, मतलब 20,000 10,000 रुपए में एक फोल्डेबल फोन? क्योंकि फोल्डेबल टेक्नोलॉजी धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है। मतलब सैमसंग के तो अभी बहुत ही ज्यादा महंगे आते हैं और फ्यूचर में एप्पल जैसी कंपनी भी अपना एक महंगा फोल्डेबल आईफोन निकालेगी, लेकिन जो भविष्य में आती जा रही फोल्डेबल टेक्नोलॉजी वो काफी सस्ती होंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि कभी आप लोगों ने सोचा है कि फोल्डेबल डिस्प्ले चलो इतने लंबे समय से आ रहे हैं, लेकिन ये एक्जेक्टली काम कैसे करते हैं और क्यों ही इसके अंदर आपको ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है? क्या एलसीडी फोल्ड नहीं हो सकती? ऐसे काफी सारे सवाल है जिनका आज हम आंसर करने वाले। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो और ये जानना चाहते हो फोल्डेबल स्क्रीन आखिर काम कैसे करती है, वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना, सब कुछ यहाँ पे आपको समझ में आने वाला है। वेल, बात करें तो डिस्प्लेस आपको तरह तरह के देखने को मिलते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल डिस्प्लेस की बात कर ले या फिर रिजिड डिस्प्लेस की बात कर ले, सबके अंदर डिस्प्ले बनाने का तरीका सब कुछ सेम रहता है। यहाँ तक की बात करें आपको वैरायटी ऑफ डिस्प्लेस देखने को मिलते हैं, कहीं आपको एलसीडी देखने को मिलता है तो कहीं आपको एमोलेड देखने को मिलता है, कहीं आपको कर्व देखने को मिलता है, कहीं आपको फोल्डेबल देखने को मिलता है, कहीं ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है तो कहीं मिनी एलईडी आता है और कहीं पर तो आपको माइक्रो एलईडी भी देखने को मिलता है। लेकिन बात है कि डिस्प्लेस तो अलग अलग तरह के तैयार है, लेकिन वही बात करें फोल्डेबल डिस्प्ले की, आप लोगों को लगता है 2019 में सैमसंग इस चीज को लेके आया था, लेकिन असलियत में बात है कि ये चीज इससे भी ज्यादा पुरानी है। यहां तक कि जब कर्व फोन आना शुरू हुए थे, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी नोट एस 2014 में, वो भी एक ऐसा फोन निकल के आया था जिसके आपको एक कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता था, यानी कि उस डिस्प्ले को भी अंदर से यहाँ पे फोल्ड किया गया था। इवन आईफोन 10 में जो डिस्प्ले इंट्रोड्यूस किया था नॉच वाले में, वहां भी उस डिस्प्ले को नीचे से उन्होंने फोल्ड किया था, यानी कि फ्लेक्सिबल फोल्डेबल स्क्रीन काफी ज्यादा मौजूद थी। और इवन बात की जाए तो एक जमाने में एलजी ने भी अपने कर्व वाला फोन बनाया था, एलजी फ्लेक्स, उसके अंदर भी उन्होंने पीओलेड डिस्प्ले को यूज किया था सबसे पहली बार। जी हाँ, जो पीओलेड अभी हम आज के समय में सुन रहे हैं मोटोरोला के फोन में आ रहे हैं, ये इससे पहले यहाँ पे एलजी कंपनी से ऑलरेडी यूज कर चुकी है और एलजी वन ऑफ द लीडिंग मेकर था, जिसके अंदर पी का मतलब था प्लास्टिक, यानी कि डिस्प्ले को बनाने में प्लास्टिक सब्सट्रेट का यूज किया जाएगा, जिसके अंदर उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और उसे आप किसी भी तरीके से फोल्ड करके अपने डिवाइस के अंदर लगा सकते हैं। शुरुआत में कहानी यहीं से शुरू हुई थी, नॉर्मल डिस्प्लेस को ही कर्व बना के फोल्ड बना के एक रिजिड ग्लास के अंदर डाल दिया था ताकि उसके अंदर कोई डैमेज नहीं हो और एक बार जो उन्होंने सेट कर दी चीज वो बिल्कुल वैसे की वैसी रहे। और ऐसे ही जो फोल्डेबल डिस्प्लेस की कहानी होती है यहां से हो जाती है शुरू। लेकिन इसी के साथ ही काफी सारी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। जैसे की बात करें फोल्डेबल डिस्प्ले को अगर फोल्ड करने में उसे मोड़ने में यहां पे दिक्कत आएगी और ज्यादा आप उसे खोलेंगे बंद करेंगे तो यहां पे डैमेज भी हो सकता है, पिक्सल्स यहाँ पे डेड हो सकते हैं और इस टाइप की ड्यूरेबिलिटी के काफी सारे कंसर्न्स हैं। और इन्हीं सबको सॉल्व करने में कई साल लग गए, यहां तक कि एक बार उन्होंने फोल्डेबल डिस्प्ले बना भी लिया उसके बाद उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे कि उसका मास प्रोडक्शन कैसे किया जाए। कि आपने लैब के अंदर एक अच्छा प्रोडक्ट तो बना लोगे, लेकिन उस प्रोडक्ट को रेप्लीकेट कर पाना एक बड़ी फैक्ट्री के अंदर, ये भी काफी बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। और इसको अचीव करने के लिए अलग अलग चीजें की गई, यहां तक कि आप लोग को बात ही मालूम है कि यहाँ पे ओलेड डिस्प्ले को क्यों यूज किया गया। वेल, ओलेड डिस्प्ले के साथ बेनिफिट ये था कि वो पतला था, हल्का था और उसके अंदर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती थी। वहीं एलसीडी डिस्प्ले के अंदर पीछे की तरफ आपको बैकलाइट देखने को मिलती थी और वो थोड़ा सा थिक होता था, इसलिए थोड़ा इग्नोर किया गया। हालांकि जो साइंटिस्ट है वो यहाँ पे फोल्डेबल एलसीडी डिस्प्लेस को भी बना चुके हैं, लेकिन मेजरली जितने भी आपको फोल्डिंग फोन देखने को मिलते हैं उसके अंदर ओलेड डिस्प्ले ही आपको देखने को मिलता है। अब उस रेगुलर ओलेड डिस्प्ले में मल्टीपल्स लेयर को यूज किया जाता है। सबसे पहले जो बेस लेयर रखी जाती है वो रखी जाती है सब्सट्रेट की, जिसके ऊपर बाकी सारी लेयर्स रखी जाएंगी और नीचे की लेयर ही डिसाइड करेगी कि वो रिजिड रहेगा, फोल्डेबल रहेगा, उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ रहेगी, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी कैसी रहेगी उसकी, उसकी इलास्टिसिटी कैसी रहेगी, ये सब उसकी बेस लेयर। और ज्यादातर समय सब्सट्रेट को यहाँ पे प्लास्टिक से बनाया जाता है क्योंकि उसका यूज करके एक फ्लेक्सिबल डिस्प्ले बनाना आसान है जो ड्यूरेबल भी रहे और उसे पूरी तरीके से फोल्ड करते, खोल दे, बंद कर दे, फिर भी उसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो यहाँ पे लूज नहीं होती। और इन्हीं सब के कारण पॉलीमर का यूज या प्लास्टिक्स का यूज यहाँ पे किया जाने लगा है और जितने भी आपको डिस्प्लेस है वो यही देखने को मिलते हैं। और इसके ऊपर जो अगली लेयर आती है ना वो तो काफी इंटरेस्टिंग है, वो होती है TFT लेयर। अब TFT का नाम सुनकर लोगों के दिमाग में खराब डिस्प्ले आ जाते हैं। अब TFT को इस तरीके से ही प्रमोट किया गया कि वो खराब माना जाता है, लेकिन एग्जैक्टली TFT का जो काम रहता है वो रहता है TFT लेयर का, वो रहती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और ओलेड डिस्प्ले में थिन फिल्म ट्रांजिस्टर वही काम करता है जो कि ओलेड डिस्प्ले को एक ओलेड डिस्प्ले बनाता है, क्योंकि TFT का ही यूज करके इंडिविजुअल पिक्सल को कंट्रोल किया जाता है और इंडिविजुअल पिक्सल को ऑफ करके एक
डीप और इंकी ब्लैक्स बना जाते हैं। तो अब कोई भी ओलेड या एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन यहाँ पे यूज कर ले, उसको जो चीज वो यहाँ पे ओलेड बनाती है वो चीज खुद एक थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होती है। ये एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है, वो भी क्लियर कर दिया। ज्यादा जानकारी के लिए विकिपीडिया का पेज पढ़ सकते हैं, काफी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको ओलेड लेयर देखने को मिलती है, यानी कि ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, जहां पे आपको कैथोड देखने को मिलती है, एनोड देखने को मिलती है, एक लेयर मिलती है ऑर्गेनिक लाइटिंग एमिटिंग मटेरियल की, यानी कि एक इंडिविजुअल पिक्सल रहता है और वो अपने इंडिविजुअल तरीके से रेड ब्लू या ग्रीन कलर को निकाल सकता है जैसे उसके अंदर अरेंजमेंट है। और आपको एक परफेक्ट कलर रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, डीप इनकी ब्लैक्स देखने को मिलेंगे और काफी सैचुरेशन लेवल देखने को मिलेगा। और इंडिविजुअल पिक्सल पर कंट्रोल होगा और उसकी ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट की जा सकती है, जिससे डिस्प्ले की पहल की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और उसे फोल्डेबल भी बनाया जा सकता है। और उसके ऊपर आती है लेयर अल्ट्रा थिन ग्लास की। अब क्या आप लोगों को मालूम है कि शुरुआत में अल्ट्रा थिन ग्लास अवेलेबल नहीं था और गैलेक्सी का जो फोल्ड 1 आया था वहां पे इन्होंने प्लास्टिक का एक ग्लास इंप्लीमेंट किया था, जो कि ऐसा था कि प्लास्टिक की शीट जैसा लगता था। और कुछ लोगों ने जैसे उसे निकाल दिया वैसे ही उस डिस्प्ले ने काम करना बंद कर दिया, प्रॉब्लम्स आने लग गए। यहां तक कि उसको ज्यादा हार्ड तरीके से प्रेस किया तो अंदर का डिस्प्ले यहाँ पे डैमेज हो रहा था और पहली जनरेशन में काफी बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसे यहाँ पे आगे चल के अल्ट्रा थिन ग्लास का यूज करके फिक्स किया गया। अल्ट्रा थिन ग्लास वो रहता है कि जो ग्लास जैसी प्रॉपर्टीज अपने साथ लेके आता है, लेकिन उसके अंदर जो प्लास्टिक की जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप डिवाइस को यहाँ पे फोल्ड कर सकते हो, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, वो चीज है आज के समय में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट हो जाते हैं किसी भी फोल्डेबल फोन का। मतलब फोल्डेबल फोन तो आपने बना दो, उसको डिस्प्ले को बनाने का खर्चा लगभग उतना ही आएगा जितना एक अच्छी क्वालिटी के एमोलेड स्क्रीन को बनाने का आता है। लेकिन अल्ट्रा थिन ग्लास एक ऐसी चीज रहती है जो कि बना पाना थोड़ा सा भी कठिन रहता है और वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव चीज है, क्योंकि एग्जैक्टली फोल्डेबल डिस्प्ले को वही बचाता है। रेगुलर रिजिड ग्लास तो आपका डिस्प्ले बचा सकता है लेकिन वो फोल्ड नहीं हो सकता, तो ये एक चीज है इधर। और इसी के साथ ही बात किया तो आपका फोल्डेबल डिस्प्ले यहां पे तैयार हो गया। अब आप जाएंगे यहां पे मार्केट में तो एक तरह से दो टाइप के फोल्डेबल हैं, एक तो इनवर्ट फोल्ड होता है और एक आउटवर्ट फोल्ड होता है। अब जो इनवर्ट फोल्ड होता है अंदर की तरफ, जैसे सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 3, उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि वहां पे आपको क्रीज वगैरह हल्की सी देखने को मिलती है क्योंकि वो अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है, उसके अंदर दबाव आ रहा है और वहां पे वो कहीं ना कहीं क्रीज आएगी। लेकिन जैसे Huawei ने करा था यहां पे आउटवर्ड फोल्डिंग का, और आउटवर्ड फोल्डिंग का फायदा ये था कि वो लोग यहां पे क्रीज वगैरह से बचा सकते हैं और डिस्प्ले को एक काफी यूनिफॉर्म लुक दे सकते हैं। हालांकि उसके नुकसान ये है कि डिस्प्ले कहीं गिर गया, डैमेज हो सकता है, उसमें स्क्रैचेस वगैरह आ सकते हैं, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन ये भी एक चीज थी उसके साथ। इसके साथ ही बात करें तो सिमिलर टेक्नोलॉजी हम फोल्डेबल तक नहीं रख सकते, यहां पे हम रोलेबल के अंदर भी रख सकते। इवन एलजी ने एक रोलेबल टीवी बनाया था सिमिलर कंसेप्ट पे, रोलेबल फोन्स भी हो सकता है फ्यूचर में आपको देखने को ले। ओप्पो का हम कुछ इस टाइप की चीजें देख चुके हैं और हां इसके काफी सारे यूज केसेस देखने को मिलेंगे। लेकिन मोबाइल फोन कंपनियां देखा जाए तो आज के समय में फोल्डेबल डिस्प्ले पर तो फोकस कर रहे, क्योंकि आज के समय में सैमसंग जैसी कंपनी फोल्डेबल डिस्प्ले में महारत हासिल कर ली और काफी कंपनीज को दे रही है। लेकिन जब खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बारी आती है तो ये लोग अपने हिंजेस के ऊपर भी काम करते हैं, और हर कंपनी जो भी फोल्डेबल बनाएगी वो हिंजेस के ऊपर रखेगी, क्योंकि हिंजेस ऐसी चीज रहती है वही डिसाइड करता है कि वो कितनी तेज से बंद होगा, कितने फोर्स लगाने पे खुलेगा, क्रीज आएगा या नहीं आएगा, और डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे वो हमेशा हिंजेस के थ्रू ही कहीं ना कहीं एंटर करेंगे और स्क्रीन को डैमेज वगैरह कर सकते हैं, और इसलिए हिंजेस के ऊपर भी काफी ज्यादा काम किया जा रहा है। यार ये कुछ चीजें रहती है फोल्डेबल फोन में, लेकिन अभी के समय फोल्डेबल फोन की काफी अच्छी स्टेट में, और फ्यूचर में लग रहा है कि फोल्डेबल फोन के अलावा रोलेबल या अलग अलग टाइप की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये रहती है कि फोल्डेबल इतने समय के बाद भी मार्केट में पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया। 2019 में आया था और 2022 में गिनी चुनी कंपनीज है, गिने चुने ही फोल्डेबल फोन है, नई चीज मार्केट में क्यों नहीं है। पीछे का रीजन यहाँ पर यह है कि अभी भी फोल्डेबल को बना पाना बहुत महंगा और मुश्किल पड़ता है। सैमसंग की कोरिया में सिर्फ एक फैसिलिटी है जहां पर यह बनता है और उसके बाद हर जगह जाता है वो लगता है, और सैमसंग के जितने भी फोल्डेबल फोन है वो तो सब कोरिया से बनके इंडिया में आते हैं। सिंपल सी चीज है। एक बात यहाँ पर यह कि फ्यूचर में अगर इसको बना पाना सस्ता पड़ जाए और इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाए, जो कि आने वाले कुछ समय में होने वाला है, उसके बाद आपको काफी सस्ते रेट के अंदर देखने को मिलेगा। सैमसंग ने तो यहाँ पे काम कर दिया अपनी फोल्डेबल की पूरी फैक्ट्री वगैरह डाल के। अब जैसे जैसे फोल्डेबल डिस्प्ले पॉपुलर होंगे दूसरी कंपनीज भी उसे इंप्लाई करेंगी और एक सस्ता फोल्डेबल फोन बनाएंगी, उसके बाद ये चीज यहाँ पे कमाल कर सकती। और देख के ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ साल में हर एक कंपनी अपने फोल्डेबल निकाले, जैसे आज अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट में नॉर्मल फोन चलते हुए जा रहे हैं वैसे अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट में धीरे धीरे फोल्डेबल भी अपनी जगह बनाएंगे, और फिर हो सकता है कि 40-50 हजार रुपए की रेंज में भी अगर एक फोल्डेबल फोन अगर आ जाता है तो वो एक काफी जबरदस्त चीज होगी। लेकिन उसे आने में लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी चीजें नहीं होने वाली लेकिन होंगी, होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये बिल्कुल अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा जैसा है, टेक्नोलॉजी काफी अच्छी सी थी, बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है, लेकिन यूज होने में
वहां पे काफी टाइम लग रहा है। तो दोस्तों ये सारी कहानी होती है यहाँ पे फोल्डेबल स्क्रीन्स की। उम्मीद करते हैं कि सस्ते सस्ते फोल्डेबल फोन देखने को मिले मार्केट में, और अगर एक सस्ता फोल्डेबल फोन आपको देखने को मिले तो क्या आप लोग उसे लोगे या नहीं लोगे, ये बात मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।